काफ़ी समय से लगातार चल रही हैं। कुछ हमारे केंद्रीय योजना से कार्यक्रम आते हैं, कुछ प्रदेश की योजना से कार्यक्रम आते हैं। एक कार्यक्रम कल जो हमारा केंद्रीय योजना का कार्यक्रम है, मैं भी चौकीदार, ये पूरे देश भर के अंदर सैकड़ों स्थानों पे आयोजित किए जाएंगे। हरियाणा में भी ये सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम होंगे। 11 कार्यक्रम कुल रखे गए हैं, एक कार्यक्रम जो अतिरिक्त रखा गया है गुरुग्राम का। इन 11 के 11 कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और वो लोग जो मैं भी चौकीदार की भूमिका में कहीं न कहीं अपने आप को रखना चाहते हैं, ऐसे लोग इस कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लेंगे। इन 11 के 11 स्थानों को इस प्रकार से हमने रखा है कि मोदी जी के भाषण का सीधा प्रसारण इन सभी स्थानों पे हो, बड़ी स्क्रीन वहां पर लगाई जाएगी और देश के प्रधानमंत्री सीधा सीधा ऐसे सब वॉलेंटियर जो मैं भी चौकीदार के भाव से वहां पर पहुंचेंगे उनको संबोधित करेंगे। हरियाणा में जो प्रमुख स्थान है उस पर जो नेता रहेंगे, गुरुग्राम में मुख्यमंत्री जी रहेंगे, फरीदाबाद में मैं उपस्थित रहूंगा और वहां पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी और वहां के हमारे स्थानीय विधायक और मंत्री विपुल गोयल, अंबाला में अनिल विज मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, कुरुक्षेत्र में कृष्ण बेदी, करनाल में कृष्णलाल पवार मंत्री और नायब सैनी जी, सोनीपत में कविता जी, रोहतक में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी और मनीष ग्रोवर, गुरुग्राम लोकसभा के रेवाड़ी में राव इंद्रजीत सिंह और बनवारी लाल, हिसार में कैप्टन अभिमन्यु, भिवाणी महेंद्रगढ़ लोकसभा में रामविलास शर्मा, सिरसा में करणदेव कंबोज मंत्री, ये लोग उपस्थित रहेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह रोहतक में, पानीपत में नायब सैनी कृष्णलाल पवार, पानीपत करनाल में आ गए ना, करनाल में रहेंगे मनीष ग्रोवर, रोहतक में चौधरी वीरेंद्र सिंह, ओम प्रकाश धनखड़ और मनीष ग्रोवर, ये रोहतक में रहेंगे। पानीपत क्या बताया था, नायब सैनी, नायब सैनी करनाल में, करनाल लोकसभा, अनिल विज। तो ये ऐसे कार्यक्रम होंगे और इसमें पार्टी के तो ऐसे कार्यकर्ता, इसके अलावा बड़ी संख्या में अन्य लोग भी इसमें भाग लेंगे, क्योंकि लोगों में इस बात की बड़ी उत्सुकता है कि देश के प्रधानमंत्री किस प्रकार से अपने आप को चौकीदार की भूमिका में रखते हुए अपनी बात को रखते हैं देश के सामने। और उन्होंने कहा भी है कि जो भारत का नागरिक गरीबी से, बेरोजगारी से,
भ्रष्टाचार से, जातिवाद से, इस प्रकार की जो लोकतांत्रिक अव्यवस्थाएं हैं उनसे लड़ने का जो संकल्प लेता है वो हर व्यक्ति चौकीदार है। और मैं इसका एक उदाहरण भी आपको दूं। अभी 3 दिन पहले मैं गुरुग्राम के एक हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पे हॉस्पिटल का स्टाफ मुझे देख करके, मुझे पहचान करके मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि सर हम सब चौकीदार हैं। एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो ऐसे लोग बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम के अंदर रहेंगे, वो संकल्प लेंगे कि जिस प्रकार से झूठ और लूट की राजनीति पूर्व की सरकारों ने की, हरियाणा प्रदेश में किस प्रकार से भ्रष्टाचार के खेल खेले जाते थे, किस प्रकार से CLU के खेल खेले जाते थे, किस प्रकार से नौकरियों में भ्रष्टाचार होता था, बंदरबांट होती थी, और राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो जो सरकारें इस देश के अंदर बनी उन्होंने अनेकों बार गरीबी हटाओ जैसे नारे दिए, अनेकों बार महंगाई कम करने के नारे दिए, अनेकों बार गरीब लोगों को सब्ज बाग दिखाने के काम किए, और वो अभी भी अपने उन्हीं झूठे और जो नारे और लारे थे अभी भी उसी प्रकार के झूठे लारों में वो लोग विश्वास रखते हैं। तो इन सब बातों से जनता को आगाह कराने के लिए बड़ी संख्या में ऐसे वॉलेंटियर इन कार्यक्रमों में आएंगे जो ये कहेंगे कि मैं चौकीदार की भूमिका निभाता हुआ ये सारी जो समस्याएं हैं, सारे जो उनके खिलाफ लड़ने का केवल काम नहीं करूंगा, बल्कि जो झूठे लारे और नारे देते हैं जो जो राजनीतिक दल, उनका पर्दाफाश करने का भी मैं काम करूंगा। तो इस भाव से ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये कल 31 तारीख को 4 बजे का समय सब स्थानों पे दिया है। उसके बाद वहाँ पे स्थानीय नेता उनसे बातचीत करेंगे, अपनी बात रखेंगे, और इसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लाइव संबोधन रहेगा। ये प्रमुख रूप से कल के कार्यक्रम की जानकारी। इसका वैसे 4 बजे का जैसे मैंने बताया हमने, हाँ, स्थानीय कार्य नेता हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, और उसके बाद मुझे लगता है 4:30 बजे के आसपास लाइव दिल्ली से शुरू हो जाएगा। आज शाम तक एग्जैक्ट टाइम उसका आ जाएगा। ये इसमें दोनों तरह के लोग इसमें शामिल होंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी होंगे, और जैसे मैंने बताया कि मुझसे ही जो लोग मिले उन्होंने कहा कि मैं भी चौकीदार हूँ, तो ऐसे सब लोगों को भी हम आपके माध्यम से आह्वान करते हैं। और वैसे हमारी टीम भी ऐसे लोगों से आह्वान कर रही है कि वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हो करके देश के प्रधानमंत्री को वो सुनने आए। देखिए, ये देश की जनता जानती है कि चोर कौन है। देश का चौकीदार चोर है या देश के वर्तमान में जो विपक्ष में बैठे लोग हैं जिन्होंने लंबे समय तक देश में राज किया वो चौकीदार है, वो चोर है। अब आप लोग इस बात को बखूबी जानते हैं, आप लोगों के कलम से ही वो बातें लिखी जाती हैं और तथ्य के आधार पर लिखी जाती हैं, और ये सच्चाई भी है कि वर्तमान में देश के चौकीदार के ऊपर आज तक एक भी भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने नहीं आया और ना ही आने की गुंजाइश है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने देश के लिए, समाज के लिए अपना घर परिवार त्याग दिया हो,
जिसके परिवार के लोग आज भी बहुत ही सामान्य स्थिति के अंदर गुजर बसर करते हों, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा चौकीदार चोर हो नहीं सकता, ये देश की जनता को विश्वास है। लेकिन दूसरी तरफ आज कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी माता श्री, उनके जीजा श्री, ये सब लोग बेल के ऊपर हैं। कई कई तरह के भ्रष्टाचार के मुकदमे इनके ऊपर चले और चल रहे हैं। पूर्व में भी इस परिवार के ऊपर कई तरह के मामले चले। ये देश की जनता बहुत ही अच्छी प्रकार से जानती है कि चौकीदार चोर है या चौकीदार प्योर है। देश की जनता कहती है कि चौकीदार प्योर है और अगली बार फिर पीएम बनना श्योर है। टिकटों को लेकर के जो हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी इकाई ने जो काम करना था वो पूरा हो चुका है। अब केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में है कि कब वो टिकटों को डिक्लेयर करते हैं, और मुझे लगता है कि अगले सप्ताह में ये हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम काफ़ी है। 12 मई को हरियाणा प्रदेश का चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने प्रदेश में राजनीतिक वातावरण बनाने से लेकर के केंद्रीय नेताओं की सभाएं, प्रांत के नेताओं की सभाएं और बूथ इकाई तक अपने संगठन को मोबिलाइज करते हुए पन्ना प्रमुख तक बनाने का काम हमारा अंतिम चरण में है। इसलिए जब भी केंद्रीय नेतृत्व उम्मीदवारों की घोषणा करेगा, हमारा जो चुनाव प्रचार का जो अभियान चल रहा है और तेज गति पकड़ेगा। सर कितने नाम भेजे गए हैं? देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि अब क्योंकि सारी बातें केंद्रीय नेतृत्व के सामने सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में हो चुकी हैं, इसलिए अब इस बात का कोई अर्थ नहीं है कि कितने नाम भेजे गए। देखिए, मैंने बताया कि सैकड़ों नामों की चर्चा अगर कुल मिलाकर के हरियाणा प्रदेश की करें, वो आए थे हमारे पास और उन सब की चर्चा हमने केंद्रीय नेतृत्व के सामने की है। देखिए, ये जो अच्छे दिन की बात जहाँ तक आपने की है, अब ये देखिए कि देश के अंदर बड़ी संख्या में ऐसे गांव थे जिनके अंदर बिजली का खंभा तक नहीं लगा था। 18,000 से ज़्यादा ऐसे गांव थे जिनके अंदर मोदी जी के नेतृत्व में बिजली पहुंची। करोड़ों ऐसी हमारी माताएं बहनें इस देश के अंदर थी जिनके घरों के अंदर रसोई गैस का कनेक्शन नहीं था, वो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहुंचा। हरियाणा की अगर बात करें तो आज 7 जिलों के 3400 से ज़्यादा गाँव के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम हमारी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान की फसल के नुकसान की भरपाई के लिए किसान को फसल बीमा योजना दी। देश के प्रधानमंत्री ने हमारे किसान को उसकी फसल की लागत के आधार पर उसमें 50% लाभ जोड़ करके उसको फसल का समर्थन मूल्य देने का काम किया। देश का जो आधारभूत ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो मजबूत हो और उस मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तेज गति से देश के विकास की गाड़ी दौड़े, इस बात का प्रयास किया गया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही ये संभव हुआ कि एक ही समय में सौ से ज्यादा सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़े गए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हमारी देश की सेनाओं ने
पड़ोसी देश जो आतंकवाद को लगातार हवा दे रहा था, प्रेशर दे रहा था, उसके ऊपर एयर स्ट्राइक की, हमारे जवानों ने दुनिया में सबसे साहसिक कारनामों में से करके दिखाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही इस देश के अंदर अहमदाबाद और मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन दौड़े, इसका सपना साकार होगा। अभी चार दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति के कारण ही हमारे वैज्ञानिकों ने एक सैटेलाइट को जो भेदने का काम किया, ये दुनिया में चौथी सबसे बड़ी ताकत बनी तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बने। हिंदुस्तान के ऊपर अगर कहीं पाकिस्तान इस प्रकार की गलत नज़र रखता है तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका ये बोलने तक को मजबूर होता है कि देश पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई कर सकता है। यानी कि पूरी दुनिया का समर्थन आतंकवाद के विरोध में केवल चीन को छोड़ करके अगर हासिल किया तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। ऐसे अनेकों ऐसे काम हैं जिसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जिनके कारण से हम कह सकते हैं कि देश के आम नागरिक के अच्छे दिन अगर आए हैं तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आए हैं। ये योजनाओं की शुरुआत हो चुकी है, ये लगातार ये चलता रहेगा। लेकिन जब जब विपक्ष ने इस प्रकार की कोई टिप्पणी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर की है तो निश्चित रूप से नया कोई न कोई कार्यक्रम उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी लेती है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कभी देश के प्रधानमंत्री जो उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनको मौत का सौदागर कहा जाए। ना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात को सहन करता, ना देश की जनता इस बात को सहन करती। देश की जनता इस बात को भी सहन नहीं करती कि नरेंद्र मोदी जी का चाय वाला कहकर के उसका मजाक उड़ाया जाए। इसी प्रकार से देश की जनता इस बार भी सहन नहीं करेगी कि नरेंद्र मोदी, जिसने बहुत अच्छा चौकीदारा इस देश का इन पिछले 5 सालों में किया है, उसको कोई चौकीदार कहे। तो इस प्रकार के अगर कोई और भी टिप्पणी विपक्ष की तरफ से इस प्रकार की आएगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसके लिए अपना कड़ा विरोध जताएगी। देखिए, सारी बातें हमारे ध्यान में है कि कौन किस प्रकार की ये हरकतें कर रहा है। ये कोई ज़्यादा इस प्रकार की पार्टी के अंदर की कोई गंभीर समस्या नहीं है। इस प्रकार की जो राजनीतिक दलों के अंदर विरोधी लोगों की हवा के कारण से इस प्रकार की बातें, सारी बातें संज्ञान में है। धन्यवाद। जो आपने टिकटों की बात कही सर, कि नाम जो है वो भेज दिए गए हैं जी, क्या हरियाणा सरकार के कई मंत्रियों के भी नाम है क्या सर, उसके अंदर उनको भी चुनाव लड़वा सकते हैं? देखिए, एक बात बिल्कुल ये स्पष्ट है कि बड़े मंत्री कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। सीनियर मंत्री चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, वो विचार जैसे मैंने कहा, नहीं, उन्होंने मंत्रियों की बात की है बिल्कुल। देखिए, एक बिल्कुल मैं स्पष्ट करता हूँ कि जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं, योजना से उनकी कहीं कोई चर्चा नहीं आई है। और बाकी ये हरियाणा प्रदेश की चुनाव समिति की मैं बात कह रहा हूँ, बाकी जो करना है वो केंद्रीय नेतृत्व ने करना है, किसको चुनाव वो लड़वाए। देखिए, मैंने कहा कि वो केंद्र तय करेगा, ये मैं हरियाणा की चुनाव समिति की आपको मनसा बता रहा हूँ। लेकिन चुनाव कौन लड़ेगा, उसमें राज्य मंत्री या कौन लड़ेगा, वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। जी, दो विंडो दे रहे हैं जी, एक विंडो दे रहे हैं कि आप तो चाहते हैं कि कोई सीनियर मिनिस्टर ना लड़े जी, लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति कर ले तो कर ले। देखिए, वो क्या है, ओवरटेक नहीं होता, ये देश का चुनाव है, देश का चुनाव है, ये केंद्रीय नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र है। देखिए, ये सारी की सारी बातें हैं, ये केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष हर चीज की चर्चा हुई है, हर चीज की चर्चा हुई है। अब इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कहीं कोई चर्चा करने की जरूरत है। देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, अभी तक पार्टी के आदेश से काम किया है और आगे भी पार्टी के आदेश से काम मैं करता रहूंगा।
ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।